The universe was created 13.7 billion years ago. And as we discussed that it was the Big Bang that started the universe. हमारे पिछले एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था कि यूनिवर्स एक बहुत ही क्योटिक प्लेस है और दैट्स इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल स्टेट एंड हम उसमें ऑर्डर खोजते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे एक फोर्स के बारे में जो कि यूनिवर्स में स्टार्टिंग से था, विच इज कॉल्ड द सुपर फोर्स. एंड वही चीज हम अपने आप में कैसे पाते हैं या व्हाट इज द रिलेशन. हाय, माय नेम इज बिबस्वान एंड आई एम फ्रॉम टीम मास्टर विदिन एंड आई वेलकम यू टू द थर्ड एपिसोड ऑफ केओस टू कॉस्मोस, विच वी कॉल इट द प्राइमोडियल अर्ज, दैट इज कॉल्ड द अर्ज ऑफ एग्जिस्टेंस. सो जल्दी करते हैं, बिना लेट किए हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक कीजिए वीडियो को. And let us begin. If you talk about the elements of the universe, एक atom हो या एक human being हो, एक asteroid हो या फिर एक star हो, आपने देखा होगा हर चीज में एक टेंडेंसी रहता है स्टेबिलिटी रहने का, स्टेबल रहने का. चाहे वो एक स्टार ही क्यों ना हो, वो बड़ा होता है होता है होता है, फिर वो एक अल्टीमेट लेवल पे चला जाता है स्टेबिलिटी का, जिसको कहते हैं ब्लैक होल, जिसके तरफ सब कुछ आ जाता है. एक ह्यूमन बीइंग जो पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, उसके बाद वो एक जॉब सीक करता है एंड लाइफ में अगेन वो स्टेबल रहना चाहता है. एक इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए, आउटरमोस्ट शेल वाला जो कंसेप्ट है उसमें भी स्टेबिलिटी का कंसेप्ट हमें दिख ही जाता है. लेकिन व्हाई इज दिस इवन देयर, वो क्या ऐसी चीज है जो हर चीज में स्टेबिलिटी चाहता है. इट इज कॉल्ड द प्राइमोडियल अर्ज ऑफ एग्जिस्टेंस. आइए इसके बारे में बात करते. देखिए, हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी का. चलिए इस चीज को बहुत सिंपल वे में डिस्कस करके समझाने की कोशिश करते हैं एंड आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली बी वेरी क्लियर आफ्टर यू ऑल्सो डू सम रिसर्च. जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी का, कोई भी चीज अगर स्टेबल हो रहा है, लेट्स आस्क क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट इवन बीइंग स्टेबल एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. एक इंसान लाइफ में स्टेबिलिटी खोज रहा है क्यों, ताकि वो अच्छे से रह सके, वो अपने लाइफ को एंजॉय कर सके. Now, इस वर्ड पे डेफिनेटली फोकस करते हैं, एंजॉयमेंट, ताकि वो लाइफ में एक्सपीरियंस कर सके. वन मोर वर्ड टू फोकस ऑन, एक्सपीरियंस. सिमिलरली इन द एंड दैट मैन वॉन्ट्स टू सर्वाइव. अभी अगर हम सर्वाइवल का बात करते हैं, सर्वाइवल मतलब बहुत कुछ होता है. जैसे अगर हम कहते हैं कि एक इंसान जिंदा है, एग्जिस्टेंशियल अर्ज सबसे बड़ी अर्ज है. डेफिनेटली कोई भी इंसान या कोई भी प्राणी या कोई भी जीव यही चाहेगा कि वो एग्जिस्ट करे. पेड़ पौधे कीट पतंगे, हर प्राणी का सबसे मेन अर्ज होता है एग्जिस्टेंशियल अर्ज, जो चीज उसे बचा के रखता है, उसको जीवित रखता है. अब वो जीवित रहने के लिए कुछ कुछ पैरामीटर्स और फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम बात करेंगे सबसे पहले यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम यूनिवर्स से सब कुछ को रिलेट करके समझना चाहते हैं, ताकि वो हमें और अच्छे से समझ आए. आइए इस चीज के बारे में बात करें. सो दिस साइंटिस्ट से दैट द फर्स्ट फोर्स दैट स्टार्टेड दिस यूनिवर्स और द अर्ली फॉर्म ऑफ फोर्स, वो कुछ ऐसा था जो काफी सारे फोर्सेस का कॉम्बिनेशन था, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं सुपर फोर्स. सुपर फोर्स, उसमें चार फोर्सेस थे. I would request you to find that out and comment in the comment section below. That's a very simple thing to do. We all have read in physics during our school times. So coming back to the point, to the wahi super force tha jo universe ko drive kiya. Okay, abhi hum baat kar rahe the stability ka. Stability in the sense, kya hai? Abhi ek atom ho jaye, ya fir ek star ho, ya jo bhi ho, wo tend karta hai apne se higher order mein jaake बड़ा होने का, क्योंकि लाइफ में जब कुछ आगे बढ़ता है तब स्टेबल होता है. ठीक है, इसे कहते हैं द अर्ज टू यूनिफाई. अर्ज टू यूनिफाई मतलब ये यूनिवर्स का लॉ है
कि हर चीज, हर व्यक्ति या हर यूनिवर्स का हर पार्टिकल जो भी है, they tend to become something bigger than what they are. They tend to become stable. यही है ब्यूटी ऑफ यूनिफिकेशन. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है जो हमें समझना चाहिए, जो यूनिवर्स के हर पॉइंट में हमें दिखता है, हम इंसानों में भी दिखता है. हमारे लाइफ में एक गोल होता है कि हम आगे बढ़ें. हम किसी को आइडियलाइज करते हैं, फिर हम बढ़ते रहते हैं. लेकिन कब तक? यही वो एलिमेंट सब है जो एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है. अब कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि सर्वाइवल मतलब क्या? सर्वाइवल मतलब क्या? बस सर्वाइव करना, बस जीना मतलब बस सांस लेना और जीवित रहना? नहीं, आनंद के साथ जीना, एंजॉय करते हुए जीना, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर द मोस्ट सुपीरियर्स. सो सिमिलरली वी हैव टू एंजॉय द लाइफ. हमें एक्साइटमेंट के साथ रहना होगा, हमें एंजॉय करना पड़ेगा, राइट? तो इस चीज के बारे में थोड़ा और सिंपल वे में लेट्स कमेंट दिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ओपन द गेट्स एंड कीप आवर माइंड्स ओपन सो दैट वी कैन लर्न न्यू थिंग्स. वेल, जैसे यूनिवर्स में हर पार्टिकल या हर ऑब्जेक्ट को एग्जिस्ट करने के लिए कुछ यूनिवर्स के लॉज को फॉलो करना जरूरत है, वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स को एग्जिस्ट करने के लिए कुछ लॉज फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंशियल अर्ज जो होता है वो हम फुलफिल नहीं कर पाते. हम जी तो लेते हैं लेकिन हमें प्रॉब्लम होता है, हमें दुख होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत सारे केसेस मिलते हैं जहाँ पे लाइफ में लोगों के पास पैसा है, नाम है, दे हैव स्टेबिलिटी, बट हैप्पीनेस नहीं है. क्यों? वहाँ पे एक मिस है. और वो मिस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी. उसके पहले अब बताइए, जैसे कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट को एग्जिस्ट करने के लिए यूनिफिकेशन जरूरी है, नेसेसरी है, तो वैसे ही क्या हम ह्यूमन बीइंग्स को एक हायर ऑर्डर पर्सनालिटी के साथ यूनिफाई करना जरूरी नहीं होता है, जो हमें कॉन्शियस करते हैं और जो हमें लाइफ में एक डायरेक्शन देते हैं, एक पाथ देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए एंड कैसे हम अपने एग्जिस्टेंशियल अर्ज को बैलेंस कर सके ताकि हम एक फ्रूटफुल लाइफ जी सके. सो आज के एपिसोड में बस इतना ही. आई एम वेरी श्योर कि यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द कमेंट सेक्शन. प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और हम बहुत जल्दी एक समेशन वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम केओस्टिक कॉस्मोस को बहुत अच्छे से समअप करके आपको एक और बार फिर से समझाएंगे ताकि यू get a lot of ways to unlock a lot of locks that we have in the brains. So that's all for today. Thank you. Please share this video, like this video. Take care of your health, take care of your loved ones, and I'll see you very soon. Goodbye.